रूपनगर गांव में रामदास नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पूनम और 15 वर्षीय बेटे बॉबी के साथ रहा करता था। कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में रामदास की एक टांग कट गई थी, इसलिए रामदास एक पैर से विकलांग हो गया था और अब वो बैसाखी के सहारे चलता था। रामदास हनुमान जी की पूजा किया करता और बंदरों को केले खिलाया करता था। ये उसका रोज का नियम था। जब कभी रामदास का बेटा बॉबी रामदास से कहता, पिताजी आप हर रोज बंदरों को केले क्यों खिलाते हैं? बंदरों पर पैसे खर्च करके आपको क्या लाभ होता है? बेटा ये बंदर हनुमान जी के सैनिक हैं और मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। मैं इनकी सेवा करूंगा तभी तो बजरंगबली भी मुझसे प्रसन्न होंगे। अच्छा तो ये बात है, तो फिर ठीक है, मैं भी कल से बजरंगबली के इन सैनिकों की सेवा किया करूंगा। गांव के बाहर वाले मेन रोड के किनारे पर रामदास की एक बीघा पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर रामदास ने एक छोटा सा ढाबा खोला हुआ था। रामदास अपने बेटे के साथ मिलकर इस ढाबे को चलाता था। रामदास ने अपने ढाबे का नाम भी हनुमान ढाबा रखा हुआ था और हनुमान जी की कृपा से ये ढाबा हर समय ग्राहकों से भरा रहता था। रामदास बड़ा दयालु स्वभाव वाला आदमी था। वो गरीब और भूखे भिखारियों को मुफ्त में खाना खिला दिया करता था। बाबूजी, हम दोनों ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, हम बहुत भूखे हैं। हाँ, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या आप हमें उधार खाना खिला दोगे? हम एक दो दिन में आपके पैसे चुका देंगे। अरे मेरे भाइयों, ये रामदास का ढाबा है, रामदास का। मेरे ढाबे से कोई भी भूखा बिना खाना खाए नहीं लौटता। तुम्हें खाने के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों मुफ्त में ही मेरे ढाबे पर भरपेट खाना खा लो। दोनों गरीब आदमी टेबल पर बैठ जाते हैं। बॉबी उन्हें खाना परोस देता है और दोनों भरपेट खाना खाकर चले जाते हैं। इसी दिनचर्या के साथ रामदास का जीवन आराम से गुजर रहा था। गांव का एक चौधरी हुकम सिंह बड़ा ही दुष्ट और भूमाफिया था। वो निर्बल गरीब लोगों की जमीन, मकान और प्लॉट पर जबरन कब्जा करके उन्हें बेच दिया करता था। रामदास के ढाबे पर भी चौधरी की नजर थी। एक दिन वो एक शहरी आदमी से रामदास के ढाबे वाली जमीन का भी सौदा कर लेता है। चौधरी साहेब, आप रामदास की जमीन मुझे दिलवा दीजिए। मैं उस जमीन पर बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाऊंगा और उस जमीन के लिए मैं आपको पूरे 10 लाख रुपए दे दूंगा। अरे तन्ने न पता, चौधरी हुकम सिंह पैसों के लिए कुछ भी कर सके हैं। तुम तो बस 10 लाख रुपए तैयार रखो। एक हफ्ते के भीतर भीतर वो लंगड़ा रामदास इस ढाबे वाली जमीन को थारे नाम लिख देगा। तो फिर ठीक है चौधरी साहब, अब मैं एक हफ्ते के बाद ही रुपए लेकर आऊंगा आपके पास, और वो भी पूरे 10 लाख। शहरी आदमी वहां से चला जाता है। फिर रात हो जाती है। रामदास अपने घर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ खाना खा रहा होता है तो रामदास कहता है, सुनो पूनम, बहुत दिनों से ना मेरी इच्छा है कि मैं हनुमान जी के मंदिर में भक्तों के लिए ठंडे पानी की मशीन लगवा दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसा रहेगा? हाजी ठीक रहेगा, प्यासों की प्यास बुझाना तो बड़े पुण्य का काम है। पिताजी आप सोच विचार मत कीजिए, अपनी इस इच्छा को अवश्य पूरी कीजिए। तो फिर ठीक है बेटा, तुम एक दो दिन में ना शहर चले जाना और एक अच्छी सी मशीन लाकर मंदिर में फिट करा देना। उसके बाद तीनों लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। रामदास और बॉबी तैयार होकर अपने ढाबे पर जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां चौधरी हुकम सिंह अपने दो चेलों के साथ आ जाता है और कहता है,
रे भाई रामदास, तूने काफी दिन अपना ढाबा चलाकर नोट कमा लिए। अब तू ऐसा कर, अपनी ढाबे वाली जमीन मुझे बेच दे, मैं वहां बढ़िया सा रेस्टोरेंट बनाऊंगा। चौधरी साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो मेरी पुश्तैनी जमीन है, उस जमीन पर बने मेरे ढाबे से मेरे परिवार का पेट पलता है। रे देख रामदास, मैं तुझे उस जमीन के 50,000 रुपए दूंगा। या तो तू 50,000 लेकर जमीन मुझे दे दे, ना तो मैं तेरी जमीन पे कब्जा कर लूंगा। चौधरी अंकल, वो 1 बीघा जमीन 10 लाख से ऊपर की है और तुम उसे 50,000 में हड़पना चाहते हो? ये तो सरासर अत्याचार है। अरे छोरे, इस मामले में तू अपना दिमाग ना चलावे। चौधरी हुकम सिंह जिसकी भी चाहे है जमीन हड़प लेवे है, और पुलिस भी मारा कुछ न कर पावे है। हाँ, इब केवल 2 दिना का टेम है थारे पास। या तो 50,000 मेरे से ले ले, नहीं तो 2 दिन बाद मैं आऊंगा और ढाबे पे कब्जा कर लूंगा। है, चलो रे। चौधरी अपने चेलों को लेकर वहां से चला जाता है। चौधरी की धमकी से रामदास को गहरी चिंता हो जाती है। ये मुआ चौधरी पक्का बदमाश है, इसने पता नहीं कितनों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। अब ये हमारी जमीन भी नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? माँ तू चिंता मत कर, चौधरी जैसे गुंडों को सबक सिखाने के लिए पुलिस है। जब वो हमारी जमीन पर कब्जा करने आएगा तो मैं फोन करके पुलिस बुला लूंगा, तू चिंता मत कर। उसके बाद रामदास और बॉबी स्कूटर पर बैठकर वहां से चले जाते हैं और अपने ढाबे पर आकर अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरह एक दिन बीत जाता है। रामदास को अब अपनी जमीन की बड़ी चिंता हो रही थी। इसी चिंता में वो कुछ खा पी भी नहीं रहा था। पूनम रामदास के लिए दूध लेकर आती है। ये लो जी, तुमने कुछ खाना वाना तो खाया नहीं है, लो दूध पी लो। मेरा तो बड़ा मन विचलित हो रहा है पूनम, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा। मुझे बस अपनी जमीन की चिंता सताए जा रही है। परसों वो चौधरी आएगा और हमारी जमीन पर कब्जा कर देगा। हे भगवान, हमने ऐसा क्या पाप कर दिया जो बैठे बिठाए हमारे ऊपर ये मुसीबत आन पड़ी है। हे बजरंगबली, आप तो संकट मोचन हो, आप दुष्टों और पापियों का नाश करने वाले हो। प्रभु, मैं आपका निर्बल भक्त हूं, मुझ पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। मुझ निर्बल की सहायता करो पवन पुत्र, मेरी जमीन पर उस शैतान का कब्जा होने से बचा लो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी सहायता करो। हनुमान जी से गुहार लगाकर रामदास का विचलित मन थोड़ा शांत हो जाता है और वो लेटकर सो जाता है। फिर एक दिन और गुजर जाता है और हर दिन की तरह आज रामदास अपने बेटे बॉबी के साथ अपने ढाबे पर आता है और हनुमान जी की तस्वीर पर धूप बत्ती आदि करके अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तभी वहां एक तगड़ा सा बंदर आता है और खाली पड़ी टेबल पर बैठ जाता है। रामदास बंदर को प्रणाम करके उसे केले खाने के लिए दे देता है। बंदर आराम से बैठकर केले खाने लगता है और रामदास अपने ढाबे के काम में व्यस्त हो जाता है। कुछ देर बाद ढाबे पर एक खुली जीप आकर रुकती है और जीप से चौधरी हुकम सिंह और उसके 5-6 चेले नीचे उतरते हैं। हुकुम सिंह चौधरी रामदास से कहता है, ए, सुन रे रामदास, तेरे पास 5 मिनट का समय है, अपने छोरे के साथ इस ढाबे से निकल जा, ना तो मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चौधरी साहब, भगवान के लिए मुझ निर्बल पे दया कर दो, मेरी जमीन पे कब्जा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। पिताजी, आप इन गुंडों के सामने हाथ मत जोड़िए,
मैं अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ। बॉबी अपने मोबाइल में नंबर मिलाने लगता है तो चौधरी बॉबी का मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक देता है और अपने चेलों से कहता है, अरे हराम खोरो, खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो? इन दोनों बाप बेटों को मार मार कर यहाँ से भगा दो और इस ढाबे पर कब्जा कर लो। इससे पहले कि चेले कोई हरकत करते, टेबल पर बैठा हुआ बंदर हरकत में आ जाता है और चौधरी और उसके चेलों को उठा उठा कर पटकने लगता है। बंदर सारे गुंडों को पीट पीट कर बेहाल कर देता है। रामदास बंदर के सामने हाथ जोड़ कर कहता है, हे वानर देवता, आप कोई साधारण बंदर नहीं है, आप कौन है? कृपया बताइए, आप कौन है? तभी बंदर गायब हो जाता है और वहां हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी को साक्षात रूप में सामने देखकर रामदास कहता है, हे बजरंगबली, मुझे निर्बल की सहायता करने के लिए आप स्वयं पधार गए। मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया। आपने मेरा संकट दूर कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। रामदास, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूं। मेरे होते मेरे भक्त पर कोई संकट कैसे आ सकता है? अब तुम्हें इन दुष्टों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें इनकी दुष्टता का दंड मिल चुका है, अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम निश्चिंत होकर अपना व्यापार करो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आशीर्वाद देकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। रामदास चौधरी से कहता है, क्यों चौधरी साहब, आप अब भी मेरी जमीन पर कब्जा करोगे क्या? चौधरी और उसके चेले रामदास के पैरों में गिर जाते हैं। चौधरी कहता है, अरे अरे मार डाला। नहीं नहीं रामदास भैया, मुझे पता नहीं था कि आपके ऊपर बजरंग बली की कृपा है, नहीं तो मैं ये भूल कभी नहीं करता। और अब मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी किसी निर्बल को नहीं सताऊंगा। इस आश्चर्यजनक घटना के बाद चौधरी ने फिर कभी किसी गरीब या निर्बल को नहीं सताया। रामदास पहले की तरह आज भी अपना ढाबा चला रहा है और हनुमान जी की वानर सेना को केले खिलाकर पुण्य कमा रहा है।